हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको वाइट ग्रिप शख्स की वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि 80% लोग लगाते ही नहीं है इस एक्सरसाइज को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वाइट ग्रिप शख्स की एक्सरसाइज भी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ नॉर्मल शख्स लगाते हैं, और आज की वीडियो मेरी यही है, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि वाइड ग्रिप शरक्स बहुत ही ज़रूरी है। तो बताने से पहले जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है मेरे इंस्टाग्राम पर, जाइए मुझे फॉलो कीजिए। मेरा अकाउंट है तरुण कपूर फिटनेस के नाम से, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। और हिमांशु का भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फैट लॉस का, तो जिनको भी फैट लॉस करना है तो आप फॉलो कर सकते हो हिमांशु को। हिमांशु की आईडी है इंस्टाग्राम पे हिमांशु9827, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हिमांशु ही देगा आपको फैट लॉस की। तो हम बात करते हैं कि वाइड ग्रिप शख्स क्यों जरूरी है, क्योंकि वाइड ग्रिप शख्स आपके ऑल ओवर ट्रेपीजियस से लेके आपके शोल्डर विथ तक आती है, और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बताने के लिए ही आज मैं ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत कम लोग लगाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि ये एक्सरसाइज होती भी है। तो वाइड ग्रिप शख्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आप नॉर्मल शख्स लगाते हो ऐसे रॉड से, जो आप नॉर्मल शख्स लगाते हो वो आपके सिर्फ ट्रेपीजियस पे आती है, और जो आप वाइड, जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वाइड ग्रिप ऐसे वाली, वाइड हाथ बाहर करके वाइड ग्रिप शख्स आपके शोल्डर से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए आपके पूरे शख्स ट्रेपीजियस तक आता है। मतलब ये चीज़ हैवी होती है, क्योंकि यहाँ की जो शोल्डर है, ये एरिया जो है, ये बहुत सारे लोगों का वीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कोई लगाता ही नहीं है इसलिए। तो चेकआउट दिस वीडियो फर्स्ट, फिर हम बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से आपको लगानी है। तो वीडियो देखो, फिर हम बात करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से लगाई थी एक्सरसाइज। तो जो ये बार है, जिनके पास बार है ठीक है, जिनके पास बार नहीं है तो वो डंबल से करेंगे, आपके हाथ थोड़े से वाइड होंगे इस तरह से, जिनके पास ये बार नहीं है। तो उन जो लोग डंबल से करेंगे उनके हाथ भी ऐसे होंगे थोड़े से वाइड, पैरों से हटकर, पैरों से थोड़ी बाहर ऐसे, और फिर आप इसे ऐसे लेके जाओगे और ऐसे ही लेके आओगे। मींस रेंज ऑफ मोशन आपकी सेम होगी, जब आप ऊपर लेके आओगे और नीचे लेके जाओगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन सेम होगी। कोई ऐसे लेके झटका नहीं मारेगा, झटका लोगे तो इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। तो आपके ट्रेपीजियस हैवी तभी होंगे जब आप सही एक्सर लगाओगे सही वे में, और मसल एंड माइंड कनेक्शन भी बनाना होगा आपको इस एक्सरसाइज में। मतलब आपका पूरा ध्यान इस मसल पे ही होना चाहिए, तभी आपके शोल्डर ग्रो होंगे जल्दी जल्दी। आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं है तो आपके शोल्डर ग्रो नहीं होंगे, और सालों साल लग जाएंगे आपको। फिर आप बोलोगे कि भैया हम भी तो सेम एक्सरसाइज लगाते हैं, हमारे शोल्डर नहीं आ रहे तो आप भी कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ मत बोला करो, ध्यान दिया करो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी आपको ही बनानी है, किसी और को नहीं बनानी। लोग तो आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं, तो फोकस करो अपने आप पे, ठीक है। तो जब भी आप, जिनके पास बार है, आपने देखा मैं किस तरह से लगा रहा था एक्सरसाइज, तो इसके आपको रेपिटेशन कितने लेने हैं, 15। आप 3 से 4 सेट्स लगाओगे इसके, और 15 रेपिटेशन लेने हैं, और आपकी ग्रिप टाइट होगी, पैर भी टाइट होंगे, क्योंकि पैरों से ही बॉडी जनरेट होते हुए आपके हाथों पे आएगी, और आप अपने हाथों से ही ऐसे पुश करोगे, ठीक है। कोई पैरों से झटका नहीं लेगा, क्योंकि पैरों से सब, जब भी कोई शख्स लगाता है तो वो पैरों से ऐसे करता है, ऐसे
ऐसे नहीं, आप स्ट्रेट ही खड़े हो गए जैसे मैं खड़ा हुआ था और जिस तरह से मैं अपने हाथों से उठा रहा था, इस तरह से इसी तरह से आपको उठाना है। ये एक सही फॉर्म है और आपने पैरों से कोशिश करी उठाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट लगाते हैं हैवी और पैरों से ऐसे करते हैं, तो वो गलत फॉर्म है आपकी, तभी आपके रिजल्ट नहीं आते। तो ये एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर, ये है शोल्डर, ये जो एरिया है यहाँ से होते हुए ये ट्रेपीजियस तक आता है और ये एरिया आपका बहुत सारे लोगों का वीक है, शोल्डर और ट्रेपीजियस के बीच में जो है गैप, इस यहाँ से होते हुए आपकी ये पूरा ट्रेपीजियस तक आता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वाइड ग्रिप स्ट्रक्स 100 में से 80% लोग लगाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये एक्सरसाइज किस मसल पे आ रही है। जो आप नॉर्मल स्ट्रक्स लगाते हो ऐसे, वो सिर्फ स्ट्रक्स ट्रेपीजियस पे वर्क करते हैं, और जब आप वाइड ग्रिप लगाओगे तो यहाँ पे शोल्डर से होते हुए यहाँ पे आएगी, मतलब पूरा ये जो एरिया है, लीड लगी हुई है मेरी यहाँ पर, तो ये जो आपका एरिया है ये शोल्डर का, ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ पूरी कवर होती है ये एक्सरसाइज में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, फिट रहो, हेल्दी रहो, और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, क्योंकि नॉलेज से ही बॉडी बनती है, अगेन एंड अगेन दोबारा से बताता हूँ हर वीडियो में। गोली खा लो कुछ फ़ायदा नहीं है, गोली आज खा लोगे, कल खा लोगे, परसों खा लोगे, कभी तो गोली, आपकी टैबलेट, आपके इंजेक्शन ख़त्म होंगे, उसके बाद अगेन आप वापस ही आ जाओगे नॉर्मल जैसे आप थे। और उसके साइड इफ़ेक्ट कितने होंगे तो सोच समझ के ये सब करना, जो कि लोग कर रहे हैं। तो फॉलो कीजिए मुझे, आपको लगता है मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे तुम्हारा भाई का चैनल ग्रो हो और सबसे ऊपर जाए। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।